पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रॉबिन के भयानक मर्डर की खबर पूरे बेरेक टाउन में फैल जाती है। उसके अगले दिन ही जॉनी नाम के एक और टीनेजर की भी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरे बेरेक टाउन में दहशत का माहौल बन जाता है। इन सब के बीच एना स्कूल से वापस घर नहीं आती। मेगन बहुत परेशान हो जाती है और स्टीव को एना को ढूंढने के लिए कहती है। बहुत ढूंढने के बाद एना मुंह पर जोकर वाले मेकअप के साथ एक ग्रेवयार्ड में मिलती है। इसी के साथ पुलिस को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। अब आगे सर, एक क्लाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। आई थिंक यू शुड सी इट। जेराल्ड कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो उसने देखा कि स्क्रीन पर कुछ फोटोज प्रोजेक्ट हो रही थीं। उन्हें देखकर जेराल्ड शॉक्ड हो गया। सर, आज से करीब 10 साल पहले पुलिस ने जेम्स नाम के एक सीरियल किलर को अपनी कस्टडी में लिया था। जेम्स अपने प्रोफेशन से एक क्लाउन था और उसने अपनी पूरी सर्कस टीम के हर एक इंसान को एक एक करके मार डाला था। कुल मिलाकर उसने 12 मर्डर्स किए थे। ये बेरेक टाउन के लोगों के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर होती, लेकिन इस खबर के मीडिया में फैलने से पहले ही पुलिस ने इस बात को दबा दिया था। इस वजह से ज्यादातर लोगों को जेम्स के बारे में कुछ पता नहीं था। जेम्स मेंटली अनस्टेबल था, इसलिए उसे बेरेक टाउन के मेंटल असाइलम में रखा गया था। चौंका देने वाली बात यह थी कि हर एक आदमी जो जेम्स के हाथों मरा था, उसके चेहरे पर हूबहू वैसे ही क्लाउन का मेकअप था, जैसा आज 10 साल बाद रॉबिन और जॉनी के चेहरे पर पाया गया था। ब्लडी हेल, लेट्स गो गेट हिम। सर, एक बात और। इससे पहले कि उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई हो पाती या उसके मोटिव्स का पता चल पाता, जेम्स ने मेंटल असाइलम के अंदर ही सुसाइड कर ली थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। उस रात जब ऑफिसर जेराल्ड को जेम्स के बारे में पता चला, तो उसके दिमाग में बस एक सवाल था कि जेम्स मर चुका था तो अब ये सब कौन कर रहा है। जेराल्ड ने अपनी टीम के सभी लोगों को जेम्स के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालने का ऑर्डर दिया। साथ ही जेराल्ड ने बेरेक टाउन के कमिश्नर से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर पूरे बेरेक टाउन में सिक्योरिटी फोर्स को और बढ़वा दिया था। अब जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी हो गई थी। शहर में जो कुछ भी हो रहा था, उससे सभी लोग डरे हुए थे। एना के पेरेंट्स मेगन और स्टीव भी पिछली रात हुए इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब थे। उन्होंने जब एना से पूछा कि वो कल रात उस ग्रेवयार्ड के अंदर कैसे पहुंची, तो एना के पास कोई जवाब नहीं था। एना की बिगड़ती मेंटल हालत देख एना की मॉम मेगन ने उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर रीटा बेरेक टाउन की एक रेनाउंड चाइल्ड थेरेपिस्ट थीं। वैसे तो वो उस दिन छुट्टी पर थीं, पर एना के पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने एना को अपने होम क्लिनिक पर ही बुला लिया था। मेगन ने एना को स्कूल से पिकअप किया और वो दोनों सीधा डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक पर चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो एना ने अपने हाथ में वो क्लाउन डॉल ली हुई थी। मेगन ने एना को वो क्लाउन डॉल अंदर ले जाने से मना कर दिया और उस डॉल को वापस गाड़ी में रखकर वो दोनों अंदर चले गए। मेगन एना को डॉक्टर के रूम में छोड़कर बाहर आकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। हेलो एना, मैं रीटा हूँ और मैं लोगों की मदद उन चीजों में करती हूँ जिन्हें वो शायद खुद समझ नहीं पाते। क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगी कि तुम उस ग्रेवयार्ड में क्यों गई थी? एना ने डॉक्टर की तरफ
आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बस चुपचाप बैठी जमीन को देखती रही। डॉक्टर रीटा फिर से एना से बात करने की कोशिश करने लगी। एना, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, स्कूल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? डॉक्टर का ये सवाल सुनते ही शांत बैठी एना की आंखें बड़ी हो गईं। उसने डॉक्टर रीटा को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। एना बोली, करते थे कुछ सीनियर्स, पर अब नहीं करेंगे। देखो एना, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी एज में कभी कभी तुम अकेला भी महसूस कर सकती हो, पर आपसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? डॉक्टर रीटा की एना से बात करने की सभी कोशिशें बेकार हो रही थीं। कुछ देर और ट्राई करने के बाद डॉक्टर रीटा ने एना को एक चॉकलेट दी और उसे बाहर भेजकर मेगन को अंदर बुला लिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे, लेकिन रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हो रही सारी बातें एना को भी सुनाई दे रही थीं। मैंने कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं, बाकी डरने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर रीटा की इस बात को सुनकर एना को शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपनी मॉम मेगन के साथ जाकर कार में बैठ गई। कार की बैक सीट पर उसकी क्लाउन डॉल पड़ी थी। जब एना की नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो डॉल एना को ही देख रही हो और उससे कुछ कहना चाह रही हो। एना की मॉम वापस जाने के लिए कार स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी एना ने अपनी मॉम से कहा कि वो अपना बैग डॉक्टर के रूम में भूल आई है। एना कार से उतरी, बैक सीट से अपनी क्लाउन डॉल उठाई और उसने अपनी मॉम को बोला कि वो बस अभी आ रही है। एना उस क्लाउन डॉल को अपने हाथ में लिए डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक के अंदर चली गई। क्या हुआ बेटा? एना कुछ नहीं बोली और सीधा अपने स्कूल बैग की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से एक कैची निकाली और सीधा डॉक्टर रीटा की गर्दन में घुसा दी। डॉक्टर रीटा दर्द से कर्रा उठी। लेकिन उस दिन उनका पूरा स्टाफ छुट्टी पर था, उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एना बार बार उस कैची से डॉक्टर रीटा की गर्दन को स्टैप करने लगी। डॉक्टर रीटा अपनी बेबसी में बस एना के चेहरे को सुन्न होकर देख रही थी। खून की छींटें एना के मुंह पर जा रही थीं, लेकिन एना रुक ही नहीं रही थी। एना पागल हो चुकी थी। मुझे ठीक करेगी तू? कुछ ही देर बाद एना अपना बैग अपने पीछे लटकाए और वो क्लाउन डॉल हाथों में पकड़े क्लिनिक के बाहर आई और सीधा आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे या कपड़ों पर खून की एक भी छींट नहीं थी, थी तो बस चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। मेगन ने एना के चेहरे पर बड़े दिनों बाद ऐसी स्माइल देखी थी। तब मेगन को लगा कि एना को थेरेपिस्ट के पास लाना शायद एक सही डिसीजन था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एना के हाथों अभी क्या घटा था। दूसरी तरफ ऑफिसर जेराल्ड और उनकी टीम को जेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी। उससे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे केस में आगे बढ़ा जा सके। इतना ही नहीं, वो गुब्बारे जो एकमात्र सबूत थे वो भी बैरिक टाउन या बैरिक टाउन के आसपास की किसी भी शॉप पर अवेलेबल नहीं थे। कोई उस तरह के गुब्बारे बेचता ही नहीं था। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था और शहर में एक और मर्डर हो चुका था, लेकिन इस बार किसी टीनेजर का नहीं बल्कि शहर की एक रेनाउंड थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा का। अगली सुबह जब डॉक्टर रीटा की केस फाइल ऑफिसर जेराल्ड के पास आई तो जेराल्ड ने देखा कि डॉक्टर रीटा के चेहरे पर भी सेम वैसा ही क्लाउन मेकअप है। जेराल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी जेराल्ड का ध्यान डॉक्टर रीटा की केस फाइल में लिखे एक नाम पर गया, जिसे देखकर
वो चौंक उठा। रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर रीटा की लास्ट कंसल्टेशन का बिल था, जिस पर लिखा था मेगन स्टैनली, एना की मॉम का नाम। ऑफिसर, फौरन मेरी गाड़ी निकालो। ऐसा क्या देखा है जेराल्ड ने डॉक्टर रीटा की केस फाइल में? एना की मॉम मेगन का इन सब से क्या लेना देना? और आज जो एना ने डॉक्टर रीटा के साथ किया वो क्या था? क्या एना पोजेस्ड है? क्या एना ही किलर है? गाइज, अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब लोगों से शेयर करो और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छी चीज क्या लगी।